हरिद्वार में रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर एक महिला के द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन मेयर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गंगनहर कोतवाली पहुंचकर महिला के आरोपों को झूठा बता रहे हैं। दरअसल दो दिन पहले मेयर के ही एक पूर्व कर्मचारी की पत्नी ने मेयर पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाते हुए गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मेयर पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। तभी अचानक ही मेयर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गंगनहर कोतवाली पहुंच गए और महिला के आरोपों को झूठा बताने लगे। उनका कहना है कि अगर कोई उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित कर दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारा कर्मचारी था नीरज, उसका नाम था। लगभग 15 माह उसने हमारे यहाँ काम किया। मानसिक रूप से थोड़ा व्यथित प्रतीक होता है। उसकी माताजी की भी वीडियो है जिसमें उसको स्पष्ट रूप से मानसिक पीड़ित बता रही है। पिछले दिनों उसने हमारे घर पे आकर के और लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास किया। इसी थाना गंगनहर के जो दरोगा थे वो वहां पर आए और उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया। इसी घटनाक्रम में वो अपने साथ एक महिला को रखता है। वो महिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, वहीं उसकी शादी हुई है। उसके बच्चे भी उस महिला से प्रताड़ित हैं और वो इस महिला इसके साथ भाग करके आ गई है। आने के बाद उस महिला द्वारा एक झूठी तहरीर यहां पर दी गई है, झूठा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि मेयर द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। मैंने पुलिस को कहा है कि किस तरीके से बिना तथ्यों के आधार पर कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगा सकता है, इसकी गहनता से जांच हो और झूठे पाए जाने पर उस पर निश्चित रूप से मुकदमा हो। शहर का प्रथम नागरिक होने के नाते और मैं तो कहता हूं शहर की आम जनता, आम व्यक्ति के लिए भी कोई कैसे बोल सकता है ऐसा। और हमारे संवाददाता वीरेन चौधरी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेन, क्या है पूरा मामला? मेयर के खिलाफ अश्लील हरकत करने का आरोप एक महिला के द्वारा लगाया गया है, लेकिन वहीं मेयर ने खुद कोतवाली में पहुंचकर इन सभी आरोपों को खारिज किया है। अब किस तरह से आगे कार्रवाई हो रही है? जी सानी, जो बात की जाए रुड़की गौरव मेल की मेयर की, इसमें तीन से चार रोज पहले एक मामला आया था। इसमें हमारे एपीएन न्यूज और नेटवर्क टाइम न्यूज चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद हमने गौरव गोल से मेयर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मेयर साहब लुकते नजर आए थे। उसके बाद अगर महिला ने आरोप लगाया, महिला ने कहा कि उसके पति जेल में गए थे, जेल में छुटाने के लिए गौरव गोल ने भी जेल में भिजवाए थे। उसने उसकी एवज में एक रात के लिए उसको अपने पास बुलाने की बात की थी। वहीं अगर गौरव गोल की बात की जाए, गौरव गोल अपनी कर रहा है, उसमें एक दबाव बनाने के लिए थाने में एक बड़ी भीड़ लेकर गया और उसने तरह तरह के इल्जाम महिला के ऊपर लगाए। लेकिन अगर बात की जाए अगर गौरव गोल सीधा तो उसमें पहले सामने क्यों नहीं आया? जी वीरेन, इस मामले में मेयर की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर जो आरोप है वो साबित कर दिए गए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसे में पुलिस के सामने भी एक चुनौती जरूर है कि किस तरह से आरोप साबित किया जाए। और महिला क्या कोई सबूत के साथ थाने में पहुंची है? वीरेंद्र जी, महिला के पास कोई भी सबूत भी नहीं है, लेकिन महिला का कहना है कि मैं जब मेरा पति जेल में था, मैं जेल में उस टाइम बड़ी परेशान थी और मुझे गौरव गोल ने घर पर बुलाया, मेरी सास को बाहर बैठा दिया और मेरे को कहा अगर आपको अपने पति कोई छुटाना है और मैं अपना मुकदमा वापसी ले लूंगा, लेकिन मेरी साथ देहरादून एक रात रहना पड़ेगा। जी वीरेंद्र, कितने वक्त पहले की ये घटना बताई जा रही है? क्योंकि महिला का कहना है कि उनके पति जब जेल में थे तब ये पूरी घटना हुई है। कितना वक्त इस घटना को हो चुका है? ये एक महीने पहले, अगर बात की जाए एक महीने पहले घटना है। उसका पति गौरव गोल के घर पर जाकर हंगामा किया था, गौरव गोल के भाई ने उसको जेल ही गिरफ्तार करा था। उसी के वजह में गौरव गोल ने उसे घर पर बुलाया, गौरव गोल का कहना है घर पर बुलाई थी और एक कमरे में अंदर महिला को से बात की। महिला का कहना है कि मेरे को तरह तरह के लालच दिया गया, लालच देने के बाद मैंने कहा अगर पति चाहिए तो आप मेरे पास तो आना ही होगा। उसी के बाद महिला के पति के जेल से आने के बाद महिला ने अपने पति को बताया, पति ने उसके बाद मीडिया को बुलाया तो, लेकिन गौरव गोल ने मीडिया को भी दबाने की कोशिश की। जी चलिए, बहुत धन्यवाद वीरेन तमाम जानकारी के लिए।